हेलो हेलो सभी भाई बंधु को नमस्कार है, प्रणाम है। कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। और थंबनेल देखे होंगे आप, थंबनेल पे आप देखे होंगे ऐसा कॉन्सेप्ट जो गर्दा उड़ा दे। एक खासियत है मेरा, लिखता मैं वही चीज हूं जो करके दिखाता हूं। तो आज सिटिंग अरेंजमेंट आपको मैं सिखाऊंगा और इस कदर सिखाऊंगा कि सचमुच में आज गर्दा उड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे किस्म का कॉन्सेप्ट बताते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा और सारा सिटिंग अरेंजमेंट का गर्दा ना उड़ा तो फिर आप कह दीजिएगा। और हकीकत में अगर वीडियो बहुत शानदार लगा ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका सिटिंग अरेंजमेंट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्रोमुख होकर एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। कहां बैठे हैं भाई? केंद्रोमुख होकर वृत्त के चारों ओर। तो क्वेश्चन तो बाद में बनाइएगा, एक चीज पहले समझ लीजिए। पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कुछ भी नहीं समझना है, बायां दायां का कोई कॉन्सेप्ट में नहीं समझाऊंगा जैसे बाकी शिक्षक समझाते हैं। मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मतलब है आप दो चीज बस सीख जाइए। एक चीज सीख जाइए और दूसरा चीज सीख जाइए जो। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर ये दो गो शब्द बहुत बार आएगा। और का प्रयोग आप जान जाइए प्रथम व्यक्ति के लिए किया जाएगा। और का प्रयोग किसके लिए? प्रथम व्यक्ति के लिए, यानी फर्स्ट व्यक्ति के लिए और का प्रयोग। और जो का प्रयोग द्वितीय व्यक्ति के लिए, यानी सेकंड व्यक्ति के लिए, सेकंड के लिए जो का प्रयोग किया जाएगा। आप कहिएगा सर प्रथम कौन होगा, सेकंड कौन होगा? जैसे मैं बात करता हूं बी और सी का, तो बी प्रथम हो जाएगा, सी द्वितीय हो जाएगा। मैं बात करता हूं राम और रमेश का, तो यहां पर राम होगा प्रथम, रमेश होगा दूसरा। और रहेगा तो राम के लिए समझिएगा कह रहा है, और जो रहेगा तो रमेश के लिए समझिएगा कह रहा है। बस ये दो वो चीज को आप जान जाइए और बाकी आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा। इसको साइलेंट कर दीजिए, कोनो फोन कर देगा गड़बड़ हो जाएगा। साइलेंट करके हटाइए मोबाइल से, मोबाइल को, मोबाइल नहीं रखना हमको, ठीक है? चला, तो आप समझ गए क्या? आप क्या समझे? और अगर देगा तो पहिलका के लिए, जो देगा तो दूसरका के लिए। और पहिलका के लिए, जो दूसरका के लिए। और करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। कर ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्रोमुख होकर एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो ले भैया हम बना दिए वृत्त, लो भैया हम बना देते हैं एक वृत्त। ये वृत्त का हो गया केंद्र, इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके हम आठ लोगों को बैठा देते हैं। तो बोलो ऐसे ही ना बैठाएंगे जी, इसी प्रकार ना बैठेगा। चलो भैया बैठ गया ए, सिटिंग अरेंजमेंट को आज अच्छे से सीख लेना। आज अगर सिटिंग अरेंजमेंट पे तुम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर देगा बाबू, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर बना लेगा, आज के बाद तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट फंसबे नहीं करेगा। एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट से तीन से चार क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप डी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम, बैंक में पांच पांच को पूछता है। आप आराम से बना दीजिएगा, चीजों को खाली समझिएगा। यहां पर कह क्या रहा है ध्यान देना, गौर फरमाना। कह रहा है कि एफ जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, ध्यान देना, एफ जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पे। एफ के बारे में कह रहा है कि एफ जो है ए के दाएं दो नंबर पे। तो कहीं ना कहीं तुम ए को बैठाएगा तभी ना एफ को दाएं और दो नंबर पर लेके जाएगा। तो कहिएगा हाँ सर, तो तुम क्या करो ए को यहां बैठा दो। तुम्हारा मन करेगा तुम यहां 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 कहीं भी बैठा सकते हो, ए को यहां बैठा दो। अब सोचो कि ए का दाया किधर होगा, तो सोचना नहीं है, ए का चेहरा देखो कहां है, ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ। एरो को चेहरा समझ लेना है, अपने अनुसार सोच लेना है। ये एरो जो है चेहरा है, ये एरो को तुम अपना मूड़ी समझ लो। ऐसे खड़ा है तो तुम इसे खड़ा हो जाओ, आ इधर देखो दाया हाथ है, आ इधर देखो बाया हाथ है। तो बाएं कहेगा तो बाया हाथ के तरफ जाना, दाएं कहेगा तो दायां हाथ के तरफ जाना। बायां दायां याद करने का झमेले नहीं है। अब कह रहा है एफ जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पे, तो ए यहां पे है, दाएं जाएंगे इधर, तो एक नंबर दो नंबर पे किसको बैठा देंगे, एफ को। कह रहा है कि एफ जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पे। अब देखो कहा कि और का प्रयोग किसके लिए हुआ होगा, पहिलका के लिए, यानी एफ के लिए। तो और के जगह पे तुम एफ को भी पढ़ सकते हो, और पढ़ो चाहे एफ पढ़ो, बात बराबर है। और मतलब एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, माने एफ जो है और मतलब एफ सी के बाएं तीन नंबर
पे, तो एफ तो है, अब सी को तुम कहां बैठाओगे कि बाएं तीन नंबर पे आओगा, सी को कहां बैठाओगे कि ये बाएं तीन नंबर पे आ जाएगा। तो सोचो अगर सी को हम यहां बैठा दें तो सी का चेहरा इस प्रकार से ऐसे है, चेहरा है ना ऐसे, तो इधर बायां और इधर दाएं, देखो सी यहां है, सी का इधर बायां और इधर दायां, तो बाएं आना है तो इधर आओगे, तो एक दो तीन नंबर पे देखो एफ आ गया। आ रहा बात समझ में? आगे कह रहा है कि बी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो सी का बायां इधर ना होगा, तो एक दो दो नंबर पे कौन आ जाएगा? बी, क्योंकि कह रहा है कि बी जो है यहां पे, बी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पे, और का प्रयोग बी के लिए, और के जगह पर बी को पढ़ सकता है, यानी बी एच के दाएं चौथे स्थान पे, तो बी तो यहां बैठा है, एच को यहां बैठा दो, एच का चेहरा इधर है, एच का चेहरा ऐसे है चेहरा, इधर दायां इधर बायां, दाएं गिन दो, एक दो तीन चार नंबर पे आ गया। उम्मीद करते हैं 100% समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ हमने सिखाया ही नहीं, हमने यही सिखाया कि जहां से लेफ्ट और राइट का निर्धारण करना वहां पे खुद को रख लो, बात खत्म हो गया। अब कह रहा है आगे कह रहा है कि डी जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो डी के बारे में कहा कि जी के दाएं दूसरे स्थान पे, ऐसा करो जी को यहां पे अगर बैठा देंगे तो जी का चेहरा इधर हो जाएगा नीचे, माने ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे चेहरा होगा, ये एरो को मुड़ी समझना, ये मुड़ी हो गया, तो इधर बायां इधर दायां, तो जी के दाएं एक दो नंबर पे किसको कर देना है? डी को। कह रहा है कि डी जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पे हो गया, एगो बच गया, कौन एगो बच गया? आपका 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 ई बच गया, तो ई को यहां बैठा दो, काम हो गया। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच सब बैठ गया, अब कुछ करना है, ये बन गया तो क्वेश्चन का आंसर तो सेकेंडों में आएगा। चला क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो देखो डी के ठीक बाएं कौन है? सी है, तो मार दो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? डी के ठीक बाएं कौन है? सी है, मार दो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, देख लो ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई का बायां इधर होगा, दायां इधर, दाएं दो नंबर पे बी बैठा है, तो मार दो तुम बी, यानी ऑप्शन नंबर ए मार दो। आगे कह रहा है बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? बी के बाएं तीन नंबर पे, तो बी यहाँ है, बी का चेहरा ऐसे है, ऐसे बी का चेहरा है, ऐसे इधर दायां इधर बायां, तो बाएं कह रहा है एक दो तीन नंबर पे ए हो जाएगा, बी के बाएं तीसरे स्थान पे, बी के बाएं तीसरे स्थान पे ए बैठा है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मार देंगे। अब कह रहा है चार नंबर में ए के संदर्भ में जी का स्थान कौन सा है, देख लो भैया ए के संदर्भ में जी का स्थान, बाएं जाओगे तो भी चार नंबर पे, दाएं जाओगे तो भी चार नंबर पे, इधर जाओगे बाएं तो एक दो तीन चार, दाएं जाओगे एक दो तीन चार, तो चार नंबर पे, तो दोनों तरफ से चार नंबर पे, तो मार दो, दाएं से चौथा दिया है, देख लो बाएं से चौथा नहीं दिया है। अब यहाँ कह रहे हैं पाँच नंबर, निम्नलिखित में से किस संयोजन में तीसरे व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच बैठा है? तीसरा व्यक्ति ये सब है, यही सब तीसरा व्यक्ति है। कह रहा है तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में, तो देखो तो सी जो है बी और जी के बीच में है, सी देखो तो बी और जी के बीच में, सी बी और जी के बीच में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ई नहीं होगा। अब देखो बी ई और एफ के बीच में है, बी देखो तो ई और एफ के बीच में, बी ई और एफ के बीच में नहीं है, ये भी आंसर तुम्हारा नहीं होगा। आगे देखो डी ए और एच के बीच में है, डी ए और एच के बीच में है, डी ए और एच के बीच में, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी तुम्हारा गलत हो गया। चार नंबर देखो एफ ए और ई के बीच में है, एफ ए और ई के बीच में, देखो तो एफ ए और ई के बीच में, ये भी नहीं है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। आंसर क्या होगा? डी जी और सी के बीच में है, तो देखो तो डी जी और सी के बीच में, तो डी जी और सी के बीच में नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से किस संयोजन में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच बैठा है? डी जी और सी के बीच में, डी जी और सी के बीच में नहीं है, तो कौन है? सी बी और जी के बीच में है, सी बी और जी के बीच में, सी बी और जी के बीच में, ये भी नहीं है। आगे देखिए बी ई और एफ के बीच में, बी ई और एफ के बीच में, बी ई और एफ के बीच में नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एच डी और ए के बीच में, एच डी और ए के बीच में, एच, अरे यार यहीं पे तो था आंसर, देखो एच डी और ए के बीच में, हाँ यही आंसर था,
देखो गड़बड़ हो गया एच ए डी और ए के बीच में, तो एच डी और ए के बीच में, तो एच तो है ही है डी और ए के बीच में, वेरी गुड। देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, एच जो है डी और ए के बीच में है, देख लो एच जो है, एच जो है डी और ए के बीच में है, तो क्लियर है, ऐसे ही मार लेना है, बोलो कोई टेंशन नहीं ना। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो और बेहतर तरीका से समझना। यहाँ कह रहा है आठ व्यक्ति, आठ गो व्यक्ति है कौन कौन भैया, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, आयताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। ध्यान देना, अब की बार मेज बदल गया, आयताकार हो गया, तो ये हम क्या किए, आयताकार एक मेज बना दिए, ठीक है, और यहाँ पे बैठा दिए आयताकार मेज के चारों ओर। ध्यान देना, गौर फरमाना, थोड़ा सा देखो ना बस, सीटिंग अरेंजमेंट तो यार ऐसे समझ में आएगा कि जिंदगी में कभी आपको लगेगा कि हाँ आपने ऐसे समझाया ही नहीं होगा, आपको कोई समझाया ही नहीं होगा। देखो ये केंद्र हो गया, अब कह रहा है आठ व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी और एच एक आयताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि मेज के चारों दिशाओं में दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, हम बना दिए, आमने सामने बैठे व्यक्ति एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। अब देखना, कह रहा है कि डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो या तो डी यहां होगा और नहीं तो डी यहां होगा। हम ऐसा करते हैं डी को यहां पर रख देते हैं, कह रहे डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा है, तो डी का मुंह उत्तर की ओर है, एच के ठीक सामने बैठा है, तो डी यहां है, तो एच को यहां रखना पड़ेगा, एच के ठीक सामने बैठ गया। आगे कह रहा है एच के ठीक बाएं ई है, तो एच के ठीक बाएं, तो अब देखो एच यहां है, एच का चेहरा नीचे है, ठीक बाएं इधर जाएंगे, तो एच के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, एच के ठीक बाएं ई है। आगे कह रहा है ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, तो या तो ए और जी यहां बैठ जाएंगे, या तो ए और जी यहां बैठेंगे, या तो ए और जी यहां बैठेंगे, या तो यहां बैठेंगे, तब ना एक ही दिशा में होगा, तो हम जी को यहां रख देते हैं, ए को यहां रख देते हैं, हो सकता है इधर भी रखना पड़ जाए, अब यहां रख के देखते हैं। कह रहा है ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, आगे कह रहा है कि जी ठीक बी के सामने है, जी जो है ठीक बी के सामने है, तो बी को यहां रख देंगे, तो जी ठीक बी के सामने हो जाएगा। आगे कह रहा है जी ठीक बी के सामने है जो, अब बताओ जो का प्रयोग किसके लिए, तो जो का प्रयोग बी के लिए ना, हमने बोला जो का प्रयोग दूसरे के लिए, तो जो के जगह पर बी पढ़ सकते हैं, जो यानी कि बी सी के ठीक दाएं है, तो बी जो होगा सी के ठीक दाएं होगा, सी को यहां बैठा देंगे, तो सी का, सी को यहां बैठाएंगे, सी का चेहरा इधर है, तो बायां इधर दायां इधर, तो बी जो है यानी जो, जो मतलब बी सी के ठीक दाएं हो जाएगा। आगे कह रहा है डी के बाएं को अगला ए है, तो डी को बाएं को अगला ए है, तो डी के देखो बाएं अगला ए है, मतलब सही बैठ गया है। अब कुछ भी नहीं बचा, ए गो बच गया, ए गो कौन बच गया, एफ, एफ को यहां बैठा दो, मामला सलट गया। अब क्वेश्चन बना दो, कह रहा है ए के सामने कौन बैठा है भैया, तो ए के सामने सी बैठा है, मार दो आंसर इनमें से कोई नहीं। कह रहा है ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने सी है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे कह रहा है दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है, दक्षिणावर्त माने, दक्षिणावर्त माने घड़ी की दिशा में, ई से अगला कौन है, तो घड़ी की दिशा में ई से अगला, तो देखिएगा ई से अगला, तो ई से अगला कौन है, बी है, दक्षिणावर्त माने यही ना होगा घड़ी का दिशा, तो ई से अगला कौन है भैया, तो ई से अगला बी है, तो आंसर आप मार दीजिएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब कह निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, देखो तो डी और एफ एक ही दिशा में है, डी और एफ एक ही दिशा में है, तो डी और एफ एक ही दिशा में है, ये बात तो सही है, लेकिन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं, तो डी एफ एक ही दिशा में है और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, यानी डी एफ के दाएं है, देखो तो डी एफ के दाएं है, नहीं डी एफ के बाएं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सावधानी से बनाना, चला सीटिंग अरेंजमेंट है। आगे कह रहा है सी और बी, देखो तो एक ही दिशा में है, सी और बी एक ही दिशा में है क्या, देखो तो सी और बी एक ही दिशा में है, तो सी और बी एक ही दिशा में है। अब कह रहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं है, तो पहला व्यक्ति सी है, बी के दाएं है, सी है बी के दाएं है, तो सी जो है बी के दाएं नहीं बल्कि बी के बाएं है, ये भी आंसर नहीं होगा। एफ और सी देखो एक ही दिशा में है और एफ सी के दाएं है, तो एफ और सी एक ही दिशा में नहीं है, ये भी गड़बड़ है, ये आंसर तो साफ नहीं होगा, तो ए और जी हो जाएगा। कह रहा है क्या, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ए और जी देखो तो ए और जी, तो ए और जी एक ही दिशा में बैठा है और ए जी के दाएं है, तो ए और जी एक ही दिशा में बैठा है, देखो ए और जी एक ही दिशा में बैठा है और ए जो है जी के दाएं है,
क्योंकि जे का चेहरा ऐसे है, जी का उधर बायां होगा, इधर नीचे दायां होगा, तो दायां है। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा चेला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई समस्या नहीं ना, ठीक है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। ई के सामने कौन बैठा था? देखिए तो ई के सामने कौन है भैया, ई के सामने कौन है? तो ई के सामने एफ है। तो मारो आंसर धड़ाक से एफ। एफ देखो किस ऑप्शन में है, सी में। तुम्हारा आंसर हो गया की हो गया भाई? आंसर सी हो गया, ठीक है ना। ये लो भाग गया, चलो कोई बात नहीं, सी आंसर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से आ जाते हैं उसी जगह पे, घबराना की है ना, घबराना नहीं है। चलो देखो तुरंत आ जाते हैं। वैसे तो तुम लोग समझ ही गए होगे करना क्या है, थोड़ा सा बोर्ड अभी फिलहाल धोखा दिया, लेकिन फिर से मैं बोर्ड को ला दिया, मना लिया है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के सामने कौन है भैया? एफ है ना। ई के सामने कौन है? तो ई के सामने एफ है, क्लियर है। अब देखो 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कॉमेंट करके बताना है ना, कॉमेंट करके तुम लोग बताना, ठीक है ना, कॉमेंट करके इसका आंसर बताना, क्लियर है। और सुनो ध्यान से एगो बात ध्यान से सुनो, जिंदगी में कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट बनाना हो ना, बिल्कुल मत घबराना। क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, किसी प्रकार का हो, कितना भी उलझन का क्वेश्चन हो, कभी भी मत घबराना, करना यही जो मैं बताया हूँ। गोल टेबल के चारों ओर कहेगा गोल टेबल खींच लेना, केंद्र की ओर कहेगा केंद्र की ओर बैठा देना, केंद्र के बाहर कहेगा केंद्र के बाहर बैठाना। आज मैं जो क्वेश्चन कराया वो केंद्र की ओर था, तुम्हारे पास क्वेश्चन जो आएगा हो सकता है केंद्र के बाहर आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, चेहरा केंद्र के बाहर कर देना है। और बायां दायां में कंफ्यूज नहीं होना है, जहां से बायां दायां का निर्धारण करना होगा वहां अपने आप को लेकर के जाना, अपने बाएं हाथ के अनुसार बाएं जाना, अपने दाएं हाथ के अनुसार दाएं जाना। अगर तुम सचमुच में अपने बायां हाथ के अनुसार बायां बैठा दिया, दाएं हाथ के अनुसार दायां बैठा दिया, तू सही बैठा दिया, तो माई का लाल भारत में कोई पैदा नहीं लिया है जो गलत काट देगा उसको, क्योंकि यही लॉजिक है भैया, कहना दीपक सर बताए हैं। और तुम सही बनाना और जो ज्यादा उड़ेगा उसको मेरे पास लेके आना, ठीक है। तो बाबू आज यहीं तक सेवा रखता हूं, और सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी किताब उठाइए, बनाइए, सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। और बनेगा तो जरूर कहिएगा कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा कि हाँ सर क्या मैंने आपको सिखाया है और क्या आपने सीखा, मजा आएगा। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो आज यहीं तक, सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।